के हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बंधु हैं, किसान की ही बेटे हैं, देश की सीमा पर किसान का बेटा। मोदी जब जब डरता है, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी द्वारा बनाई गई सरकार का, किसानों के द्वारा वोट देने के बाद जो प्रधानमंत्री जी बने हैं, मुख्यमंत्री जी बने हैं, अगर ये किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो हम जाएंगे किसके पास, किसके पास गुहार लगाएं, कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। जांच किया जाएगा, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं निकला हूँ। मैं आपसे किसी भी कीमत पे झगड़ा नहीं करूंगा, आप जहाँ पर रोकेंगे वहीं पर रुक जाऊंगा, आप जैसा आदेश करेंगे, क्योंकि मेरी आपसे लड़ाई नहीं है, आपसे संबंधित कोई बिंदु नहीं है। जिंदाबाद अतुल दादा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद राजेश दादा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। डरता है, विश्व आगे डरता है, किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद। एक्शन लेगी सरकारें, एक्शन लेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। आप लोगों को भी भरोसा रखना होगा, पूरे देश में 10 महीने हो गए सरकार, हो सकता है वो 11वें महीने में उसको ऊपर से लिखा हो, कुछ ऐसा हो, सहयोग ऐसा कुछ हो, बच्चा पैदा होके और बैया बैया चलने लगा होता 10.5 महीनों में, और 10.5 महीनों में 3 बिंदुओं का समाधान नहीं हो पाया है। जस कानून की वापसी, अजय टेनी के बेटों के द्वारा आंदोलनरत किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के हत्या की गई है, या तो आज हम सभी किसानों की संडीला के रेल ट्रैक पर रेल हमारे ऊपर चढ़वा के, या तो केंद्र सरकार हमारी हत्या करवा दे, या तो अजय मिस्टर टेनी को तुरंत कैबिनेट से बर्खास्त कर दे, संसद सदस्यता रद्द कर दे, क्योंकि 120 का मुलजिम वो है, और मुलजिम अगर वो जब तक मंत्री रहेगा जांच प्रभावित करता रहेगा, निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। अगर वो 120 का मुलजिम है तो उसको जेल जाना चाहिए। का कार्यक्रम जो था लखीमपुर में, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के पुत्र के द्वारा जिस तरह से विरोध कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाकर हत्या की गई, उस केस में अजय मिस्टर टेनी भी 120B का मुलजिम है। किसानों की मांग है कि उसको कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए, उसकी संसद सदस्यता रद्द की जाए, और 120B मुलजिम होने के नाते उसको भी जेल भेजा जाए, तीनों कृषि कानून वापस किए जाए, MSP गारंटी कानून बनाया जाए देश में, वरना यह आंदोलन और बढ़ता जाएगा, तो इसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा।